अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल एकदम स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी, एकदम ब्रेड सैंडविच रेसिपी। तो चलते हैं शुरू करते हैं बनाने के लिए, खाने में एकदम क्रंची और स्वादिष्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ वेजिटेबल कट कर लिए, थोड़ा सा हमने पत्ता गोभी ले लिए, थोड़ा सा हमने टमाटर, थोड़ा सा बीट, थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च और थोड़ा सा हमने बारीक कटा हुआ प्याज, सभी चीज़ों को हमने बारीक बारीक कट कर लिए। तो हमने ले लिए यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल, इसी के अंदर सभी वेजिटेबल को हम डाल देते हैं जितने हमने कट किया, और बारीक बारीक कट करना है हमें, तभी खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सभी को हमने बारीक बारीक कट करे है। ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब बनता है। तो चलते हैं फटाफट से इसे हम बना लेते हैं। तो इसी के अंदर हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे सिजवान चटनी, ये थोड़ा चटपटा होता है इसीलिए इसे हम डाल रहे हैं, और 1 चम्मच जैसा हम ओरेगानो डालेंगे, और 1 चम्मच आधी चम्मच जैसा हम डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, और ओरेगानो से अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो थोड़ा सा हमने चिल्ली फ्लेक्स 1/2 चम्मच जैसा हम डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम एक अच्छा सा तंदूरी का फ्लेवर दे देंगे। तो अच्छे से हमने मिक्स कर दिए, चलते हैं फटाफट से इसे हम तंदूरी का फ्लेवर दे देते हैं। तो कोयले को हमने पहले से जला कर रखे थे, इसके अंदर रख दिए। इसके अंदर आप बटर डाल सकते हो, हमने 1 टेबल स्पून तेल डाले है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं ढक्कन रखते हुए, हम ढक्कन निकाल दिए और कोयला भी निकाल दिए। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देते हैं, और इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ तो ज़रूरी है, इससे बाइंडिंग अच्छी आती है, इसीलिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो हम 2 चम्मच जैसा हमने डाले है, अब इसे हम चलते फटाफट से ब्रेड के अंदर भर लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे ब्रेड। तो ब्रेड के अंदर पहले हम लगाएंगे हरी चटनी। तो हरी चटनी हमने हरा मिर्च, हरी धनिया, लहसुन और 1 टमाटर और नींबू डालकर और स्वाद अनुसार नमक हमने डालकर चटनी बनाया। तो इसे पहले हम लगा देते हैं, थोड़ा हमने स्पाइसी बनाया। इसमें पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा लगाएंगे, इससे और चटाकेदार हो जाएगा। तो हमने पिज़्ज़ा सॉस भी लगा दिया। अब इसके ऊपर हम 1-1 चम्मच डालेंगे, थोड़ा अच्छा से स्टफिंग भरेंगे, ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग, जितना ज़्यादा भरेंगे उतना खाने में आपको अच्छा लगेगा। हमने स्टफिंग भर दिया। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा हरी वाली चटनी लगाएंगे, क्योंकि हमारी हरी चटनी बहुत स्पाइसी, तो थोड़ा सा हमें लगा रही, और पिज़्ज़ा सॉस भी स्पाइसी है तो थोड़ा सा हमने लगा दिया। अब इससे हम तैयार हो गया, इसे साइड पर रखते हैं। अब दूसरा इसी तरह हम बना लेते हैं। तो जो बाकी का है उसे भी हम बनाएंगे, बट बाद में बनाएंगे, अभी हम थोड़ा सा बनाएंगे। तो इसमें भी हमने चटनी लगाया है पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे से हम इसे साइड में फैला देते हैं। इसके ऊपर हम स्टफिंग डाल देते हैं, और दूसरे के ऊपर हम हरी चटनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप हरी चटनी नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते हो। हमने बिना हरी चटनी का ये बना लेके ऊपर हमने तवा रख दिया अच्छे तरीके से धोकर। इसमें 1 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे, आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हो, हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तेल को अच्छे तरीके से पहले हम तवे पर फैला देते हैं ताकि हमारा ब्रेड चिपके नहीं। तो अच्छे तरीके से हमने तेल को फैला दिया। अब इसके ऊपर हम ब्रेड रख देते हैं। चूल्हे के ऊपर तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फटाफट से हमें सेकना होता है, तो अलट पलट करके सेकना है फटाफट। तो इसी तरह हम फटाफट से सेक लेते हैं। अभी हम इसी तरह हम दूसरा ब्रेड भी सेक लेते हैं, हल्का सा तेल डालकर। आप बटर का इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा हमें तेल। और इसे ब्रेड को डालने के बाद हमें चम्मच से हल्का प्रेस देकर दबा के रखना है, ताकि अच्छे से अंदर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तेज़ी हमारा आग तेज़ी से जल रहा है, तो थोड़ा जलने जैसा हो रहा है, साइड साइड पे थोड़ा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। हल्का सा तेल फिर से हमने डाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्रंची फील होगा और क्रिस्पी। तो इसी तरह हमने तल लिया, आप देख सकते हो कितना अच्छा से क्रंची क्रंची बनकर तैयार हो गया। तो इसे हम कट कर लेते हैं। एकदम लाजवाब और स्वादिष्ट बना, एकदम क्रिस्पी, इतना स्वादिष्ट। आप इस रेसिपी को रमज़ान के इफ्तार में बनाकर खा सकते हो, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में बना के दे सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत से बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमने बनाकर ब्रेड सैंडविच रखा, और हमारी छोटी सी बेबी आई और फटाफट से उसे उठा ली, क्योंकि उससे बहुत खुशबू आ रही थी। तो फटाफट से आप देख सकते हैं कैसे उठा रही है, वो पहले देख रही है अंदर क्या डाला हुआ है, फिर उसे वो उठाएगी। तो उसे जो अच्छा लगा वो वही वाला उठा रही। तो आप देख सकते हैं अच्छे से उठा के लेके चली गई।